आज हम आपको विसरण के बारे में बताएंगे कि विसरण क्या है और ये किस प्रकार होता है। इसको बताने के लिए सबसे पहले आप एक दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें इसका उपयोग होता है, जैसे सांस लेना, जब आपको सांस लेना होता है तो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर कम हो जाती है और बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपको पता ही है, कितनी परसेंट है ऑक्सीजन, 21% है वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन है। और हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बाहर से अंदर की ओर नासा चैम्बर के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुँचती है। ठीक इसी तरह जो विसरण की क्रिया है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होता है। जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होगा तो उसे हम विसरण कहेंगे। तो पहला एक एग्जांपल आ गया सांस में। दूसरा है जो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव होते हैं, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा की स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम है, इसकी स्ट्रक्चर अनियमित होती है इस प्रकार से, बीच में केंद्रक होता है और यहाँ पर एक द्रव होता है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है इसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि ये ऑक्सीजन को अंदर ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके। तो जब अमीबा के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ मौजूद जो भोज्य पदार्थ होगा उसका पाचन होगा, और पाचन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलती है जब अमीबा के अंदर, अमीबा की बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कार्बन डाइऑक्साइड का बहाव होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है या बाहरी झिल्ली है, इसमें ये क्षमता पाई जा रही है कि हमेशा जो विसरण की क्रिया के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव आते हैं उन सभी में विसरण की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ठीक इसी तरह आप देखिए एक सामान्य सा एग्जांपल है, एक रूम आप बंद कर दीजिए, ये रूम है इसको बंद कर दीजिए, और एक इत्र की शीशी या परफ्यूम की शीशी एक कोने में रख दीजिए और उसे खुला छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप इत्र की शीशी या परफ्यूम को खुला छोड़ते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो वह तब तक, क्योंकि जो शीशी है उसके अंदर अधिक सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इस कोने में यदि हम परफ्यूम की शीशी रख रहे हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि पूरे कमरे में कम सांद्रता है और उस कोने में जहाँ पर इत्र की शीशी रखी गई है जिसे हमने खुला छोड़ दिया है वहाँ पर अधिक सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होगा और इस तरह से पूरे कमरे में इत्र की खुशबू या परफ्यूम की जो खुशबू है वो फैल जाएगी। तो इस प्रकार से विसरण की क्रिया हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसके और ये तब तक होता है, ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि वो इत्र की खुशबू जो है या इत्र के अंदर का जो द्रव है जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, जैसे हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे के रूप में किस रूप में आ जाता है, गैस के रूप में आ जाता है, गैस या जलवाष्प के रूप में,
और ये पूरे कमरे में फैल जाती है। तो विसरण की क्रिया वह क्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होगा, और यह बहाव तब तक होगा जब तक कि दोनों जगह का सांद्रण, मतलब जहाँ पर कम सांद्रता है और जहाँ अधिक सांद्रता है, सभी जगह का जो सांद्रण है वो समान ना हो जाए। मतलब एक साम्यावस्था आ जानी चाहिए, और जैसी साम्यावस्था आ जाएगी तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि एक साम्य स्थापित हो जाएगा और पूरा क्षेत्र एक ही एक जैसा हो जाएगा। तो जब पूरा क्षेत्र एक जैसा हो जाता है तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं विसरण अवस्था, क्योंकि इसके द्वारा हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होगा, और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए हमको ये करना है कि सिर्फ सांद्रता देखनी है कि सांद्रता किस जगह कम है और किस जगह अधिक है। तो यह डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में अधिक सांद्रता है और किस क्षेत्र में कम सांद्रता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आप दैनिक जीवन में आप विसरण की क्रिया देखते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पर चूहा मर जाता है, हमें पता नहीं चल पाता कि कहाँ चूहा मरा है, लेकिन उसकी जो बदबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है कि जो चूहे के सड़ने के कारण जो उसकी बदबू उत्पन्न होगी वो सिर्फ एक क्षेत्र में होगी जहाँ अधिक सांद्रता है, और जैसे जैसे उसकी बदबू जो है पूरे कमरे में फैलेगी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि पूरा कमरा बदबूदार ना हो जाए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चूहा मरे हुए चूहे को आपको फेंकना पड़ेगा, तभी उसकी बदबू को आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, चाहे आप खुशबू की बात करें चाहे आप बदबू की बात करें, तो खुशबू या बदबू इनके विसरण के लिए हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव होता है। नेक्स्ट है परासरण। परासरण को बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विसरण को ध्यान में रखते हुए विसरण की क्रिया जो कि एक सामान्य रूप में होती है, उसको किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सामान्य क्रिया है विसरण की जो हमेशा होती रहती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रेशर देना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन लो, ऐसा कोई प्रेशर देना नहीं पड़ता है कि आपको ऑक्सीजन लेना है, या इत्र के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इत्र की खुशबू जो है पूरे कमरे में ना फैले, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो सामान्यतः जो क्रिया होनी है वो होनी ही है, तो उसे हम कहेंगे विसरण की क्रिया, जो हमेशा बहाव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होगा। लेकिन यदि हम परासरण की बात कर रहे हैं तो परासरण के लिए को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे एब नॉलेट। इन्होंने इस पर अध्ययन किया, एब नॉलेट 1748 में। काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि जो परासरण की क्रिया है, परासरण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये जो माध्यम होता है, क्योंकि इस माध्यम के बगैर परासरण की क्रिया नहीं होगी, और ये माध्यम होता है एक झिल्ली। यदि ये झिल्ली ना हो, जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, यदि ये झिल्ली उपस्थित होगी तो ही क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो झिल्ली है ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यदि हम रासायनिक पदार्थ के द्वारा यदि हम कोई झिल्ली बनाते हैं तो इसके लिए एक झिल्ली है, रासायनिक झिल्ली, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe(CN)6 कॉपर फेरोसाइनाइड। ये एक रासायनिक पदार्थ से बनी हुई झिल्ली है जिसको हम रासायनिक अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक इसी तरह कुछ जंतु झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली,
इसे कहा जाता है चर्म पत्र, चर्म पत्र। उसी प्रकार से एक है सेलोफेन, सेलोफेन। तो ये सभी जो झिल्लियाँ होती हैं ये एक माध्यम है। यदि ये माध्यम ना हो तो कभी भी परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो परासरण की क्रिया को संपादित करने के लिए इस झिल्ली का होना अनिवार्य है या इस माध्यम का होना अनिवार्य है। जैसे आप देखिए विसरण की क्रिया में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव होगा, और ये कम सांद्रता होगा विलायक का कण, विलायक के कण, विलायक के कण या फिर कम सांद्रता के कण। यदि ये कम सांद्रता के कण होंगे तो ये कम सांद्रता के कण अधिक सांद्रता वाले कण की ओर बहाव करेंगे झिल्ली के माध्यम से। जैसे मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से बताते हैं आपको, एक पात्र आपने लिया और इस पात्र के अंदर एक फनल आपने उल्टा लगा दिया। और इसके अंदर आप कोई भी झिल्ली डाल सकते हैं, चाहे आप चर्म पत्र ले लीजिए, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, चर्म पत्र। और इसके अंदर यहाँ आप पानी डाल दीजिए, पानी जो कि एक विलायक है जिसके बारे में आप सभी जानते हो, पानी जो कि एक विलायक है। और यहाँ हम इस पात्र के अंदर हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन, NaCl। ठीक है, हमने ये ले लिया और एक चिन्ह अंकित कर देते हैं कि तक इसे भरा है। यहाँ हम इसको पॉइंट कर देते हैं, हमने इसके यहाँ तक भरा हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में आप सभी जानते हैं, नमक का विलयन होता है, और इसे हम पानी के पात्र के अंदर डाल देते हैं। तो पानी के पात्र के अंदर डालने के बाद, और ये जो चर्म पत्र है, ये चर्म पत्र क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, चाहे वो जंतु झिल्ली हो, चाहे आप यहाँ पर रासायनिक झिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप सेलोफेन झिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी झिल्ली का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने चर्म पत्र का उपयोग किया है और समय देख लिया जाता है। आपने समय स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए आप 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 7 बजे आपने इस प्रयोग को स्टार्ट किया, शुरू किया आपने। अब समय आप देख रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि जो पानी के विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले हैं, और जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो अधिक सांद्रता है। तो सोडियम क्लोराइड का हम यहाँ पर सांद्र विलयन ले रहे हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड की हम कम मात्रा नहीं ले रहे हैं बल्कि हम उसमें ज़्यादा मात्रा उसमें डाल रहे हैं ताकि यह एकदम खारा हो, मतलब सांद्र विलयन हो। और ऐसे विलयन में अब अभिक्रिया हमने स्टार्ट करवा दी, जिससे क्या होगा कि जो विलायक के कण हैं वो धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर की ओर प्रवेश करने लगेंगे। तो बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करने से क्या होगा कि ये जो फनल का जो स्तर है पानी का, जो कि सोडियम क्लोराइड का स्तर है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हो सकता है वो यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये है, यहाँ पर ये विलयन जो है यहाँ प्रवेश कर रहा है सोडियम क्लोराइड के अंदर, और इस वजह से इस नली का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने से ये भी हो सकता है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो खारापन है वो कम हो जाए, क्योंकि हम उसमें क्या मिल रहा है उसमें पानी मिल रहा है। तो पानी मिलने से इसका स्तर, इस नली का बढ़ रहा है। तो नली का स्तर बढ़ रहा है मतलब ये परासरण क्रिया के द्वारा कम सांद्रता से विलायक के कण, क्योंकि विलायक के कण कैसे हैं,
कम सांद्रता वाले हैं, तो कम सांद्रता से विलायक के कण अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं, और ये क्रिया तब तक होती है जब तक कि एक साम्य स्थापित ना हो जाए। हो सकता है यहाँ पर हमने 7.5 तक देखा, और तब तक नली का स्तर काफी लास्ट तक पहुंच गया, और एक समय ऐसा आता है कि ये प्रक्रिया जो है बंद हो जाती है। ये प्रक्रिया कब बंद हो जाएगी कि इस विलयन के अंदर एक ऐसा दाब उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं हम तरल स्थैतिक दाब। तरल स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है जो विलायक के कण को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। तो विलयन में मौजूद वह तरल स्थैतिक दाब जो विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक रहा है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो किस क्रिया क्यों हो रही है, अर्धपारगम में झिल्ली है, अपने आप होगा नहीं। यदि आप मान लीजिए ऐसी सामान्य रूप में आप कोई कोई नली लिख लीजिए, कांच की नली आप लगा दीजिए वहाँ पर और उसको आप पानी के अंदर रख दीजिए, अंदर वैसा ही सॉल्यूशन आप रखिए और आप कहें कि विलायक के कण अंदर प्रवेश करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो माध्यम ही नहीं है। जब तक वो माध्यम नहीं होगा अर्धपारगम में झिल्ली का तब तक ये क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से कम सांद्रता से जो परासरण की क्रिया होती है ये हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब बहाव होता है की ओर बहाव होगा तो उसे हम कहेंगे परासरण की क्रिया। लेकिन अगर परासरण की क्रिया को रोकना है तो उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जाती है कि वो जो स्थैतिक दाब है, क्योंकि विलयन के अंदर, क्योंकि अगर हम अपने घर में किसी को प्रवेश नहीं देना चाहते तो हमको कुछ रेस्ट्रिक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम किसी और को अपने घर में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो उसी प्रकार से विलयन में एक ऐसा स्थैतिक दाब उत्पन्न हो जाता है जो कि विलायक के कणों को अंदर प्रवेश होने से रोकता है। तो वह दाब जो कि तरल स्थैतिक दाब है, तरल स्थैतिक दाब जो कि विलयन में मौजूद है, इसके कारण विलायक के कणों में जो दाब डाला जाता है जिससे विलायक के कण अंदर प्रवेश होने से रुक जाते हैं, तो उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब, जो स्थैतिक दाब के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये परासरण दाब होगा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए हमने दो पात्र लिया और दो पात्र को एक दूसरे से जोड़ दिया। इस दो पात्रों को आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद इसमें इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लीजिए आप विलायक ले लीजिए और यहाँ आप विलयन ले लीजिए और यहाँ पर अर्धपारगम में झिल्ली आपने ले ली। अर्धपारगम में झिल्ली आपने ले ली। अब यहाँ पर आपको पता है कि परासरण की क्रिया में यदि दो घटक जिसमें से एक विलायक है और दूसरा विलयन है और विलायक में से अर्धपारगम में झिल्ली के माध्यम के द्वारा विलायक के कण विलयन में पहुंचते हैं। विलयन है इसका मतलब है यह सांद्र ही होगा और यहाँ पर विलायक है इसका मतलब है ये कम सांद्र है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि विलायक में से विलायक के जो कण हैं
वो विलियन में पहुंचना चालू हो जाते हैं, विलियन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर पिस्टन की सहायता से, ये पिस्टन है, पिस्टन की सहायता से हमें एक दबाव डालना है। तो दबाव डालने से क्या होगा कि जो विलायक के कण हैं वो विलयन में जाने से रुक जाएंगे। तो किसी भी पिस्टन के द्वारा वह बाहरी दाब जो कि विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोकता है, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। वह न्यूनतम दाब या वह अधिकतम पिस्टन के द्वारा लगाया गया दाब जो कि विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक रहा है, उस दाब को कहा जाता है परासरण दाब। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे आपने नोट कर लिया होगा कि किस प्रकार से वह तरल स्थैतिक दाब या पिस्टन के द्वारा जो दाब लगाया जाता है लगाया गया दाब विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोकता है। उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो इस प्रकार आप देखिए, ये तो सामान्य विलयन के लिए हो गया। ठीक इसी तरह आप गैस के लिए भी देख सकते हैं कि गैस में किस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दो पात्र है और दो पात्र में और इस पूरे पात्र को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर विलायक है, जल हो सकता है, और यहाँ पर विलयन है जो कि कम सांद्रता वाला है। इसे, इस विलयन को हम गर्म कर रहे हैं, दोनों को, विलायक और विलयन। चाहे यहाँ सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया हमने स्टार्ट कर दी। अब चूंकि आपको पता है कि जो विलायक के कण हैं और विलयन के कण हैं, जब इनको यदि हम गर्म करें तो इसमें से भाप निकलती है। चूंकि हमने यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाया है, बाहर से हमने इसको एयर टाइट कर दिया है, तो जो भी भाप होगी वो यहीं जमा होगी। तो चूंकि आपको पता है कि जो विलायक के कण होते हैं इनका जो वाष्प दाब होता है वो अधिक है, क्योंकि विलायक में कोई भी दूसरा विलेय इसमें मिला हुआ नहीं है, बल्कि विलायक एक शुद्ध रूप में मौजूद है, और इससे इसको गर्म करने के बाद जो भी कण होंगे वो वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कण होंगे भाप के कण अधिक होंगे। चूँकि हमने पिछले पीरियड में आपको बताया था कि जो विलायक को गर्म करने के बाद उसके जो भाप के कण होते हैं वो विलयन से अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर विलयन की बात, यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें या शक्कर की बात करें, शक्कर युक्त विलयन हो या सोडियम क्लोराइड युक्त विलयन हो, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से, क्योंकि ये जो विलेय है, इस विलयन में मौजूद जो विलेय है वो वाष्पीकृत नहीं होता, और वाष्पीकृत नहीं हो रहा है इसका मतलब है इसके वाष्प दाब कम होंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब में कमी देखी जाती है, तो यहाँ पर हमको कमी दिख रही है, तो जो विलायक के वाष्पित कण हैं वो विलयन में प्रवेश कर जाते हैं।
संघनित होकर यहाँ से ये यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश कर रहे हैं तो यदि हमको इसको इसके प्रवेश को रोकना है तो इसके लिए हमको बाहर से प्रेशर डालना पड़ेगा, और जब हम बाहर से प्रेशर डालेंगे तो वह न्यूनतम प्रेशर या वह अधिकतम प्रेशर जो विलायक के वाष्पित अणुओं को विलयन में जाने से रोकेगा। क्योंकि यहाँ ये देखा गया कि जब इस प्रयोग को हमने स्टार्ट किया तो दोनों का ही विलयन समान था, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद विलायक में जो स्तर है इसका, इसके विलयन का या इसके कणों का जो स्तर है या इससे जिसे हमने यहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि ये पॉइंट है, और विलयन में भी हमने यहाँ निर्धारित कर दिया है कि ये पॉइंट है, यहाँ तक ही भरा हुआ है विलयन। तो जैसे जैसे वाष्पित अणु जो है संघनित होकर विलयन में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ स्तर इसका बढ़ रहा है, जो विलयन का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ वाष्पित कण जो है इस विलयन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके वाष्पित कणों को विलयन में जाने से रोकने के लिए बाहरी तौर पर एक दाब लगाया जाता है जो विलायक के वाष्पित कणों को विलयन में जाने से रोक रहा है, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। वह न्यूनतम दाब जो कि बाहरी स्रोत से इस पात्र में डाला जा रहा है ताकि विलायक के वाष्पित कणों को हम विलयन में जाने से रोक सकें, तो इसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो चाहे आप वाष्पित अणुओं की बात करें, चाहे आप विलयन की बात करें, किसी भी रूप में परासरण दाब जो है मौजूद होगा, लेकिन उसके लिए आपको बाहरी स्रोत से वह दाब डालना पड़ेगा। जब आप बाहरी स्रोत से दाब डालेंगे तो जो दाब होगा वो उस विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोकेगा, उस दाब को ही हम कहेंगे परासरण दाब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो परासरण की क्रिया है वो परासरण की क्रिया बगैर माध्यम के नहीं हो सकती, और ये जो माध्यम होता है चाहे वो रासायनिक रूप में हो, चाहे वह जंतु झिल्ली के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहली क्रिया हमने आपको बताई विसरण की क्रिया और परासरण, तो जो विसरण है और परासरण है यदि हम इसमें अंतर देखना चाहें तो इस प्रकार हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कि विसरण की क्रिया क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विसरण की क्रिया में हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब बहाव होगा कम सांद्रता की ओर बहाव तो उसे हम कहेंगे विसरण, और यदि कम सांद्रता से विलायक के कण, या हम सामान्य रूप में विलायक ना लिखकर सिर्फ कम सांद्रता भी लिख सकते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव बहाव होगा तो उसे परासरण कहा जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरा, अब यहाँ पर देखिए हमने विसरण की क्रिया में देखे हैं कि कोई माध्यम नहीं होता, तो यहाँ पर हम अर्धपारगम्य झिल्ली अनुपस्थित लिख सकते हैं, अनुपस्थित। यहाँ आप दे सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित,
पर यह क्रिया स्वतः होती है, अपने आप हो रही है। तीसरा है, यह क्रिया स्वतः होती है। क्या आपको इसे संचालित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे किसी तरह से आपको फोर्स करने की आवश्यकता है कि आप विसरण की क्रिया अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपने वो प्रक्रिया स्टार्ट करवा दी, वो अपने आप को ना चालू हो जाएगी। चाहे आप श्वसन की क्रिया करें या अमीबा में आप देखिए कि ऑक्सीजन गैस का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना किस प्रकार आसानी से हो रहा है, तो यह क्रिया स्वतः होती है। लेकिन जो विसरण परासरण की क्रिया है, यह क्रिया स्वतः नहीं होती, इसके लिए माध्यम के बगैर नहीं होगी। माध्यम के बगैर नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसमें कुछ और भी अंतर हो सकते हैं। विसरण की क्रिया में आप ये बता सकते हैं कि ये किसी भी वातावरण में हो सकती है, किसी भी वातावरण में हो सकती है। हो सकती है। और इसके लिए एक विशेष परिस्थिति होनी चाहिए कि वह विलयन के रूप में हो, विलयन हो या भाप अवस्था में। अवस्था में हो, दोनों ही परिस्थिति में हो सकता है ये, और ये किसी भी वातावरण में होगा। यहाँ पर इस क्रिया को रोका नहीं जा सकता, विसरण की क्रिया को आप अपने हाथों से इसे रोक नहीं सकते। तो इसे इस क्रिया को नहीं रोका जा सकता। और इसे हम रोक सकते हैं। आपको पता ही है कि इसको हमको यदि रोकना है, इस क्रिया को यदि परासरण की क्रिया को हमें रोकना है, तो उसके लिए हमको एक दाब पिस्टन की सहायता से लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम पिस्टन की सहायता से दाब लगाएंगे तो क्रिया रुक जाएगी या एक साम्य स्थापित हो जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि अभिक्रिया हो चुकी है। तो विसरण की क्रिया वह क्रिया है जो सामान्य रूप में हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और जो परासरण की क्रिया है वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। किंतु विसरण की क्रिया के लिए किसी दबाव की या किसी दाब की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप उदाहरण भी दे सकते हैं, लास्ट में छठवां नंबर आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया है उसमें से कोई सा भी उदाहरण आप इसमें पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, इसके प्रकार दो है। नंबर एक बाह्य परासरण और दूसरा है अंतः परासरण। दो प्रकार के परासरण होते हैं। जैसे इसको हम समझाने के लिए एक हम पात्र लेते हैं और इस पात्र में
कुछ अंगूर आप डाल दीजिए और इसमें एक विलयन आप भर दीजिए, सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन। सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन और इसके अंदर आपने अंगूर डाल दिया है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अंगूर के कण हैं उसमें सांद्रता कम है और जो सोडियम क्लोराइड है उसमें सांद्रता अधिक है। तो यहाँ पर अंगूर के कणों से जो विलयन है, विलायक के कण हैं या कम सांद्रता वाले कण हैं, वो अंदर से बाहर की ओर प्रवेश करते हैं। अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो जब अंदर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे परासरण को हम कहते हैं बाह्य परासरण, जिसमें ये जरूरी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा विलयन कम सांद्रता का है और कौन सा विलयन अधिक सांद्रता का है। परासरण की क्रिया आप सभी को पता है कि हमेशा परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अंगूर का जो कण है, जो अंगूर है, इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है वो कम सांद्र है। ये अंगूर है, इसके अंदर कम सांद्र है, और जो बाहर विलयन रखा हुआ है, जो कि हमने आपको बताया कि ये विलयन कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड अधिक सांद्र होने के कारण अंगूर के कणों से जो कम सांद्रता का विलयन है वो परासरित होगा और परासरित होकर के बाहर के विलयन में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही बाहर के विलयन में प्रवेश करेगा तो कुछ समय के पश्चात अंगूर जो है वो पिचक जाएंगे। तो इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है। तो बाह्य परासरण का मतलब होता है कि किसी भी परासरण की क्रिया में जब अंदर से बाहर की ओर विलयन निकलता है तो उसे बाह्य परासरण कहा जाता है। यदि हम इसी प्रक्रिया को दूसरे रूप में देखते हैं, जैसे आप यहां पानी ले लीजिए या शुद्ध जल ले लीजिए या आसूत जल ले लीजिए, जो कि शुद्ध होता है और प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते हैं। आप एक पात्र में आसूत जल ले लीजिए और आसूत जल में आप किशमिश डाल दीजिए। किशमिश यहाँ पर आप आसूत जल के अंदर किशमिश आपने डाल दिया तो परासरण की क्रिया होगी और जो कि जो किशमिश होता है इसमें अधिक सांद्र होता है। ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है और जल कम सांद्रता वाला विलयन है। तो इसमें परासरण की क्रिया होगी और अंदर का जो जल, बाहर में जो जल रखा हुआ है वो अंदर की ओर प्रवेश करेगा। तो जब बाहर का जल जो कि कम सांद्र है वो अंदर प्रवेश करता है किशमिश में, तो इसे हम कहते हैं अंतः परासरण की क्रिया। दोनों में क्रियाएं एक जैसी हैं, सिर्फ परिस्थिति अलग अलग है कि एक में कम सांद्र है और दूसरे में अधिक सांद्र है। पहले वाले केस में हमने देखा था कि जो विलयन है वो अधिक सांद्र था और जो विलय हम उसके अंदर डाले थे वो कम सांद्र वाला था, इसलिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव होता है। यदि वो बाहर की ओर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बाह्य परासरण और यदि वो अंदर की ओर हो रहा है तो उसे कहेंगे हम अंतः परासरण। तो यदि हम इसमें अंतर देखना चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो बाह्य परासरण की क्रिया है वो हमेशा किसी भी विलयन से किसी भी विलयन की ओर होती है
अंदर से बाहर की ओर होगी और अंतः परासरण में बाहर से अंदर की ओर होगी, तो उसे अंतः परासरण कहा जाएगा। इसको आप उदाहरण भी दे सकते हैं, उदाहरण के रूप में इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वैज्ञानिक थे बर्कले एंड हार्टले, बर्कले हार्टले, इन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर इसे बर्कले एंड हार्टले विधि कहा जाता है। इसके अनुसार उन्होंने एक इस प्रकार का पात्र बनाया। बाहर से एक दाब मापक यंत्र लगाया और यहाँ पिस्टन जिसके द्वारा अतिरिक्त दाब डालना है और यहाँ पर जल जो कि एक विलायक है और यहाँ विलयन। और प्रक्रिया स्टार्ट करवा दी। यहाँ पर पानी का स्तर, यहाँ विलयन है और ये दो जगह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया होती है कि यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से यहाँ पर हम जल का विलयन पहले भर देते हैं और विलयन को भी भर दिया जाता है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली दो यहाँ पर लगा दी जाती है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इस टोटी में कहाँ तक ये विलयन भरा हुआ है। अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अभिक्रिया स्टार्ट होने के बाद विलयन में से जल में से जो विलायक के कण है वो विलयन में प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जल विलयन में प्रवेश कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ जो स्तर हमने यहाँ नोट किया था वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और जैसे ही वो स्तर यहाँ से घट करके यहाँ पहुँच रहा है तो ये इसको हम देख लेते हैं और इस क्रिया को बंद करने के लिए कि ये जल के कण विलयन में ना पहुँच सके इसके लिए पिस्टन की सहायता से अतिरिक्त दाब डाला जाता है और दाब मापक से इस दाब को नोट कर लेते हैं कि ये 20 वायुमंडलीय दाब है या ज़्यादा है। इसको नोट करके जिसके द्वारा जल के कण विलयन में ना प्रवेश करें तो वह अतिरिक्त दाब जो कि जल के कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो ये जो विधि है बर्कले हार्टले की विधि, यह परासरण दाब को ज्ञात करने की विधि है जिसमें जल के कण विलयन में ना प्रवेश कर सकें इसके लिए इस प्रयोग को किया जाता है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं प्रयोगशाला में, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम अतिरिक्त दाब देने से जो विलायक के कण हैं वो विलयन में प्रवेश उसका बंद हो जाता है और जो पिस्टन में यहाँ पर जो टोटी लगी हुई है यहाँ पर जो जल का स्तर है वो स्थिर हो जाएगा और जैसे ही स्थिर हो रहा है समझ जाइए कि आप परासरण दाब उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विसरण की क्रिया, परासरण की क्रिया, इनमें किस प्रकार का संबंध था और परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए किन किन विधियों का हमने प्रयोग किया। तो ये आप विस्तार से इसको कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।